मनातही कुडी त्यातही पैठणी साडी तुझ्या हातात ग चुडा राणी होतोय ग मी वेडा सखे ग साजणी सखे ग साजणी एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अश्विनी और आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। आज मैं आपके साथ वट सावित्री का महाराष्ट्रियन लुक शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। फर्स्ट मैंने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है एंड क्लीन करने के बाद अपने फेस को टोन करना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर रोज़ वाटर से अच्छे से स्किन को टोन कर रही हूँ। आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं और सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय ऑर्गेनिक्स का टर्मरिक ब्राइटनिंग क्रीम मॉइस्चराइजेशन के लिए। टोनिंग के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये क्रीम मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, सो इसका इफ़ेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैं इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे लाइव है, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है सो आप आई बटन पे क्लिक करके इसे चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं प्राइमर। अब प्राइमर क्यों लगाते हैं? प्राइमर हमारे स्किन को स्मूदन आउट करने के लिए एंड जो हम मेकअप अप्लाई करेंगे उसे लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हेल्पफुल होता है। ये थ्रेडिंग एंड क्रीजिंग नहीं करेगा मेकअप अप्लाई होने के बाद, सो आपका जो मेकअप अप्लाई करेंगे वो काफ़ी स्मूथ दिखेगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आई एम्स्टरडैम का कंसीलर। सो जो डार्क सर्कल्स है उसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर यूज़ करने से जो आपका आई मेकअप है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से कंसीलर को ब्लेंड करूँगी एंड नेक्स्ट आई शेडो अप्लाई करूँगी। सो आपको यहाँ पे फ्लैट ब्रश के हेल्प से ही वो ब्लेंड करना है ताकि वो अच्छी तरीके से ब्लेंड होके स्किन में एब्सॉर्ब हो सके। अब हम आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। सो मैंने कहीं पढ़ा था अप्लाइंग आई शेडो इज़ रिलेटिवली ईजी, हाउएवर लर्निंग टू अप्लाई आई मेकअप द राइट वे इज़ नो सिंपल टास्क। सो मैं काफ़ी सिंपल तरीके से आई मेकअप करने वाली हूँ। सो फर्स्ट मैंने पैलेट से वाइट कलर चूज़ किया है। क्रीज को शो करने के लिए मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। सो जो मैं नेक्स्ट कलर यूज़ करूँगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा एंड आई मेकअप काफ़ी खुल के दिखेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी सेम कंसीलर मेरे डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, कि जो हम फेस मेकअप करेंगे तो वो ऑड इवन ना दिखे, तो इसके लिए मैं उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। एंड यहाँ पे सेम फ्लैट ब्रश यूज़ किया है आप जैसे देख रहे होंगे। सो इससे क्या होगा कि जो आपका कंसीलर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूदन आउट हो जाएगा एंड स्किन में काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हो। नेक्स्ट मैं फेस को थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ, सो मेरा फेस चबी ना दिखे। सो कॉन्टोरिंग करने का भी सही तरीका है, सो आपको मैं जैसे दिखा रही हूँ उसी तरीके से कॉन्टोरिंग करना है ताकि फेस का लुक काफ़ी थिन दिखे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका फोरहेड भी छोटा दिखे तो आप ऊपर भी कर सकते हैं। कॉन्टोर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन। सो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ टू चूज़ फाउंडेशन। सबसे बेस्ट तरीका है फाउंडेशन को चेक करने का कि आप जो जॉ लाइन है आपकी वहाँ पे आप सिंपली स्प्रेड आउट कीजिए फाउंडेशन को। अगर वो आपके स्किन में मैच होता है तो वो आपका राइट शेड होगा फाउंडेशन का। सो मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो में दिखाया है, अगर वो भी वीडियो आपने चेक नहीं किया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी बेला वोस्ट का कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट माय फाउंडेशन एंड मेकअप। ये कॉम्पैक्ट पाउडर काफ़ी अच्छा स्मूथ फिनिश देता है, शाइन कंट्रोल करता है एंड दिस इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल जाएगा आपको। मेकअप को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हम लैशेस को सेट करेंगे, मतलब आई कलर से सेट करेंगे। अगर आपके पास आई कलर नहीं है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करिए, ये आपके पास होगा तो आपका जो मस्कारा लगाने के बाद जो आई का लुक आएगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से खुल के आ जाएगा। कलर होने का आपका एक फ़ायदा ये भी है कि जो आप आई शेडो लगाते वक्त क्रीज ड्रॉ करते हैं, अगर वो क्रीज अच्छे से ड्रॉ नहीं होती है तो कलर डायरेक्टली आँखों के ऊपर सेट करने से आप उसे क्रीज भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। सो आप अपने चॉइस से कोई भी ब्रांड का मस्कारा यूज़ कर सकते हैं।
मस्कारा लगाने से आपकी जो आई लैशेस है वो काफ़ी खुली खुली दिखेगी एंड आँखों का मेकअप काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। काजल आप अपने तरीके से लगाइए, मुझे थोड़ा सा डार्क काजल लगाना पसंद है तो उस हिसाब से मैंने काजल लगाया है। नेक्स्ट हम लगाएंगे लिप लाइनर। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप को आउटलाइन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि जो आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगे वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें सेट हो जाए। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माय ग्लैम का लिपस्टिक। अगर आप माय ग्लैम के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, आप वो सर्वे कंप्लीट कीजिए एंड फ्री लिपस्टिक पाइए। सो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है एंड काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। चैनल पे अभी रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उस खुशी में मैं एक गिव अवे थ्रो करना चाहती हूँ। सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए हुए लिंक्स को आपको फॉलो करना है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स आपके लिए बना रही हूँ। सो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए ताकि मैं मेरे जो भी अपडेट्स हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। एंड हाँ, गिव अवे के जो विनर है वो मैं इंस्टाग्राम पे ही मेंशन करूँगी या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर दूंगी। सो हर कोई इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप मेरे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके आप भी उसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ दो विनर रहेंगे, सो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कीजिए।